ये राजा धक्का मत मारा, राजा पीछे आएगा तो बहुत अच्छा होगा। पीछे हो ना भाई, दादा मैं आप पुलिस जगह दे रहा हूँ। जय सर, सर सर अजय सर चलो चलो अजय सर 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 अजय सर जगह छोड़ने के जाएगा अजय सर एक साथ में फोटो कर दे सर लेना या फोटो सर अजय सर एक साथ में फोटो कर लो सर यहाँ से आपके राइट सर आपके लेफ्ट से सर अजय सर राइट में लिया ना सर अजय सर चलो प्लीज निरंजन थोड़े दो मिनट बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप साड़ी में। ये सवाल ये पूछना चाहता था लेकिन मैंने बोल दिया कि खूबसूरत लग रही हैं साड़ी में, मतलब कुछ और पहनती नहीं, तो नहीं, नहीं 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 वो उसको जवाब दो। नहीं एक्चुअली मेरे जिंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था वो इस फिल्म के साथ पूरा हो गया। हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ लेकिन कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया कि मेरे घर पे रेड पड़ सके। तो पिक्चर में ही सही, चलो रेड तो पड़ी। बहुत जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी भाग रहे हैं। पता चले थोड़े महीनों बाद या सालों बाद पछता रहे होंगे ये लाइन क्यों बोली थी मैंने, क्योंकि इस बारात को बुलावा कोई नहीं देता सर। On the other hand, your personal life has always been in news, you know, recent rumors being that you have married.
So if is there a comment you want to make on that? You're married? Apparently. I don't know what the comment is. I mean, I think it's good. No, I'm professionally, basically you've given me a compliment. Professionally, I'm doing well. Thank you. Personally, I'm also doing well. I'm happy both ways. So thank you. I don't think there's a comment to be made. I mean, I've kept my personal life fairly private. And I don't like talking about it too much, but it's pretty much there for the world to see. So, shot this film at a very short period of time. It's 2.5 months, I guess. मुझे बहुत लंबा लगा, लेकिन आपको छोटा लगा होगा, क्योंकि अगर आप दो ढाई महीने घर से बाहर एक जगह पे रहो, तो आपको बहुत लंबा लगता है। Yeah, next question. Ajay, in like Ajay and Ilyana, your last film we saw a very popular number, you know, in similar lines. बेटा अगले हफ्ते. Music अगले हफ्ते. उसके अलावा भी तो मेरे ख्याल से आज इस साल 2018 में आपको सिर्फ अमय पटनायक के नाम से जाना जाएगा, because the characters looking very nice, and I must say कि जब आप चश्मा पहनते वेटर्स और सादी वर्दी में मुस्टाज रख के आते, मुझे लगता है देश में अब सब ठीक हो जाएगा. The conviction you put in such characters, sir. It's not the conviction also. If one जो character है वो इतना strong है और ये character मैं किसी जो के real life character है उसको portray कर रहा हूँ, तो उससे एक और एक्साइटमेंट हो जाती है कि यू नो रियल लाइफ में अगर किसी ने ऐसे किया था तो कैसे किया होगा. फिर उसके बाद एक अच्छे खासे राइटर है हमारे रितेश, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिख दिया. तो फिर जो डायरेक्टर है उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी डायरेक्शन कर दी, तो ये सब मिला के उस सब परफॉर्मेंस में भी ऐड हो जाता है. तो ये थोड़ा थोड़ा अगर खराब लिखा होता तो मैं क्या कर लेता. बट सर आपने जो टैगलाइन है वो आपने दी है, और ऐसा हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि हीरोज डोंट ओनली कम इन यूनिफॉर्म, ये जो है ये आपकी तरफ से आया, तो ये इसका आइडिया की इसका आइडिया कैसे आया आपके, क्योंकि अब तक जितने मैंने प्ले किए ज्यादा यूनिफॉर्म वाले प्ले किए, तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं था, आई वाज मिसिंग द यूनिफॉर्म. तो मुझे लगा कि आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए, और फैक्ट भी है जी फुल है इसमें. सो एक इसमें लाइन भी बहुत खूबसूरत की ऑफिसर्स की जो बीवी होती है उनको ज्यादा बहादुर होना पड़ता है, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए. आई थिंक यू नो जितना कि दिखाया गया है ट्रेलर में, इट्स बेसिकली what it is, you know, she's the strength behind Amay, and it was a really beautiful role to play, and I think Ritesh has written such a lovely role for me, and it's a different role, merely a new experience. Raj was brilliant to work with, and hopefully aapko acha lagega, aap sabko acha lagega. Nahi, hum sabko to already bahut acha. Ye bhi hai ki jab aap ek realistic film banate ho, aur ye zaruri hai, ye fact hai ki agar if you're talking about heroes, real life heroes, wo tab tak nahi ban sakte jab tak unko family ka support nahi. Correct. बिना फैमिली के सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म. ताऊ जी खतरनाक, मतलब